गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर के बारे में. ओके, जो हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ सिलेंडर है उसके बारे में. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में लास्ट लेक्चर में. ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो है स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर, जो बोलते हैं अदर टाइप्स ऑफ सिलेंडर के बारे में. ओके, तो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सिलेंडर है उसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले डायफ्राम सिलेंडर है, डबल रोड एंड सिलेंडर है, सिलेंडर्स विद कुशनिंग है, ऐसे जो टाइप्स है वो हम लोग टेलीस्कोपिक सिलेंडर्स हैं. ओके, वो सब कुछ हम लोग आज, और विद सिलेंडर विद सेंसर्स. ओके, तो ये जो अलग अलग टाइप के जो सिलेंडर्स है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहला जो है वो है डायफ्राम सिलेंडर. ओके, तो जो सिलेंडर्स होते हैं, जो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में जो सिलेंडर्स है उसके बारे में ये पूरा लेक्चर है. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो फिगर दिख रही है वो डायफ्राम की है. ओके, तो ये जो हमारी है ये पूरी की पूरी जो बॉडी है वैसे. ओके, ये पिस्टन रोड है वैसे, ये पिस्टन, यहाँ से पिस्टन कनेक्ट होता है वैसे आगे. ओके, तो ये पिस्टन है वैसे. ओके, देन ये जो सेंटर में जो ब्लैक कलर की जो दिख रही है हमको वो है डायफ्राम प्लेट. ओके, डायफ्राम प्लेट. ओके, देन ये है यहाँ से फ्लूइड एंटर होता है ये वाले एरिया से. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे. ओके, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो समझो, दोज आर यूज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होने वाला है. डायफ्राम प्लेट का क्या, ज्यादा सेंसिटिव अगर कोई चीज है तो उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए डायफ्राम सिलेंडर यूज होता है. ठीक है. ओके, तो देर आर यूज फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देर विल बी अ डायफ्राम इंस्टेड ऑफ पिस्टन इन साइड द सिलेंडर. ओके, तो यहाँ पे समझो कि सिलेंडर ये जो समझो, ये जो एरिया है वो है सिलेंडर एरिया है पूरा का पूरा. जो हमारी बॉडी है वो एज अ सिलेंडर एक्ट करेगी, और जो पिस्टन की जगह पे यहाँ पे डायफ्राम होता है. ठीक है, अगर समझो यहाँ से फ्लूइड अंदर से अगर समझो एंटर होता है, ये एरिया से अगर फ्लूइड अंदर एंटर हो रहा है समझो यहाँ से. ओके, तो क्या होता है कि द डायफ्राम डिफेक्ट व्हेन वर्किंग फ्लूइड इज एडमिटेड इनटू द सिलेंडर. अगर समझो कि वर्किंग फ्लूइड जो है सिलेंडर के अंदर एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो डायफ्राम डिफेक्ट जो है बराबर डिफेक्ट करता है. ठीक है, द डायफ्राम डिफेक्ट व्हेन वर्किंग फ्लूइड इज एडमिटेड इनटू द सिलेंडर. ओके, तो क्या होता है कि स्मॉल छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे होता है. तो समझो कि डायफ्राम समझो कि यहाँ पे छोटा सा एक तो समझो कि बैंड होने का ट्राई करेगा ऐसे करके ऐसे. ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कर्व बनाएगा थोड़ा सा ऐसा. ठीक है, तो क्या होता है उसके कारण यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे. ओके, ऐसे पिस्टन का मूवमेंट उसके कारण होता है. ठीक है, द डायफ्राम इज फिटेड विद द पिस्टन रोड एंड हेंस द पिस्टन रोड एक्सटेंड और रिएक्ट. ओके, तो ये एरिया में पिस्टन रोड जो है वो रिएक्ट करता है. ठीक है, तो समझो क्या होता है कि यहाँ पे छोटा सा मूवमेंट होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलने वाला. ठीक है. ओके, तो यहाँ ये सब जो है डायफ्राम सिलेंडर है वो समझो कहाँ पे, उसकी एप्लीकेशन क्या कहाँ पे है तो उसके बारे में बात करते हैं. तो वो समझो कि फूड इंडस्ट्रीज है. ओके, देन मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे, और एयर ब्रेक जहाँ पे है वहाँ पे डायफ्राम, क्योंकि हम लोग अगर हम लोग छोटा मूवमेंट करते हैं तो उसका हमको एक्सटेंशन ज्यादा मिले. ठीक है, वहां पे डायफ्राम सिलेंडर का यूज होता है. ठीक है. ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेंडम सिलेंडर के बारे में. ओके, तो टेंडम सिलेंडर एक्चुअल में है क्या, तो समझो कि टेंडम सिलेंडर है क्या. यहाँ पे देखो एक पूरी की पूरी सिलेंडर की एक यहाँ पे रचना हमको दिख रही है. यहाँ पे ये पूरी एक समझो एक ये पूरा सिलेंडर है यहाँ पे. और यहाँ पे देखो बीच में से एक दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पे सिलेंडर को नंबर वन और ये नंबर टू. ओके, ओके, तो सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ओके, तो हियर द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर कंपोनेंट. पहले तो दो और ज्यादा कंपोनेंट में सिलेंडर को डिवाइड किया जाता है यहाँ पे. ओके,
देयर विल बी पिस्टन इन ईच कॉम्पोनेंट. ओके, तो यहाँ पे हर एक कॉम्पोनेंट में एक, ये देखो ये जो है वो पिस्टन नंबर वन, यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट है, दो पिस्टन है. ओके, कॉम्पोन नंबर टू में दूसरा पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन नंबर वन एंड पिस्टन नंबर टू, यहाँ पे वन और टू दो पिस्टन है. ओके, तो क्या होता है, ओके, ऑल पिस्टन आर फिटेड विथ अ सिंगल विथ अ सिंगल पिस्टन रोड. यानी हर एक पिस्टन जो है, यहाँ पे दो तीन चार जितने भी टैंडम सिलेंडर में क्या होता है, टैंडम सिलेंडर में इसके समझो कि एक ही सिलेंडर में बहुत सारे पिस्टन अगर समझो कि हो, ठीक है, तो उसको टैंडम सिलेंडर अरेंजमेंट बोलते हैं. वैसे ऑल पिस्टन आर फिटेड इन टू अ सिंगल पिस्टन रोड, यानी सबके सब जो पिस्टन है, पिस्टन नंबर वन जो है हमारा, वो पिस्टन नंबर टू जो है वो एक सिंगल रोड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या है वो, ओके, टैंडम सिलेंडर आर यूज टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फोर्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर समझो कोई जगह पे जो छोटी साइज में, कम साइज में अगर समझो कि ज्यादा फोर्स अगर हमको डेवलप करना हो, ठीक है, तो टैंडम सिलेंडर का यूज होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे टैंडम सिलेंडर समझो कि दो तीन पिस्टन लगा के ज्यादा फोर्स यहाँ पे, ये जो है हमारा यहाँ पे ये इनलेट और ये हमारा आउटलेट, यहाँ पे आउटलेट गैप दिए हुए है, तो सब जगह पे जितने भी सिलेंडर एरिया है यहाँ पे बरबर, अलग अलग जितने भी पिस्टन एरिया है बरबर, वहाँ पे अलग अलग इनलेट और आउटलेट यहाँ पे दिए हुए होते हैं. ठीक है, तो ये जो पूरी अरेंजमेंट है वो टैंडम सिलेंडर होते हैं. जो ऐसा फोर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, जहाँ पे प्रेस वर्क है. प्रेस वर्क मीन्स कि जहाँ पे समझो कि अगर हैवी वर्क हो रहा है, प्रेस वर्क अगर हो रहा है, तो वहाँ पे ये टैंडम सिलेंडर यूज होता है. नेक्स्ट सीएनसी ऑपरेशन में, अगर सीएनसी ऑपरेशन में भी क्या होता है कि ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वहां पे टैंडम सिलेंडर का यूज होता है. ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के, स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर की. ओके, तो ये है डबल रोड एंड सिलेंडर के बारे में. ओके, डबल रोड एंड सिलेंडर. ओके, तो दो सिलेंडर हैव पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड. ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो टैंडम सिलेंडर है उससे थोड़ा सा उल्टा ही है. ओके, ये समझो कि यहाँ पे क्या है, दो सिलेंडर हैव पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड ऑफ पिस्टन. ओके, तो यहाँ पे क्या, ये जो पिस्टन है, ओके, ये हमारा पिस्टन एरिया है. ठीक है, उसके दोनों साइड यहाँ पे ये जो मैं रेड लाइन जो कर रहा हूँ, सिंगल साइड वन साइड, ठीक है, ये दोनों साइड पे पिस्टन रोड होते हैं. ठीक है, ये हमारा इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है, और ये जो है पूरी की पूरी ये सिलेंडर बॉडी है. वैसे ये जो है एरिया वो है सिलेंडर. ओके, तो बाय दिस अरेंजमेंट वर्क इज कैरिड आउट ऑन वन साइड एंड द अदर साइड इज यूज्ड टू ऑपरेट लिमिट स्विच एंड लिमिट वाल्व. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड जो है बराबर, वो समझो कहाँ, एक साइड जो होती है बराबर, वो कहाँ पे यूज होती है, एक साइड है वो वर्क आउटपुट के लिए, एक साइड जो है हमारी वो वर्क आउटपुट के लिए आउटपुट बराबर, और जो दूसरी साइड है वो लिमिट स्विच ऑपरेट करने के लिए, वाल ऑपरेट करने के लिए. ये जो ये साइड है वो हमारी लिमिट और स्विच, जो स्विचेस है और जो वाल है वो ऑपरेट करने के लिए, और लिमिट वाल्स को ऑपरेट करने के लिए ये साइड को यूज करते हैं. यानी ये साइड में वर्क आउटपुट मिलता है और ये साइड जो है बराबर, यानी दोनों जो रोड एंड है वो कनेक्टेड है, वो एक रोड जो एंड है वो कनेक्टेड विथ, जो एक साइड का जो रोड एंड है वो कनेक्टेड विथ वर्क आउटपुट, जहाँ से हमको वर्क लेना है. ठीक है, और दूसरी जो साइड है बराबर, उसको हम लोग लिमिट स्विचेस है, लिमिट वाल्स है, उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. ओके, तो ये है डबल रोड एंड सिलेंडर बराबर. ओके, ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग. ये जो है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर. ओके, टेलीस्कोपिक सिलेंडर के बारे में. ओके, अभी बात करते हैं टेलीस्कोपिक सिलेंडर के बारे में. ओके, तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर एक्चुअल में है क्या,
तो यहाँ पे हमको कुछ जो अरेंजमेंट दिख रही है वो अरेंजमेंट उस तरीके से है, यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर हमको दिख रहे हैं, ये सिलेंडर नंबर वन, और यहाँ पे दूसरा सिलेंडर जो है बराबर सिलेंडर नंबर टू, यानी ये वन, ये टू और ये थ्री, ओके ये सिलेंडर नंबर थ्री, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिलेंडर्स की यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रही है, ओके। तो समझो ये टेलीस्कोपिक सिलेंडर एक्चुअल में है क्या, टेलीस्कोपिक मीन्स के सिलेंडर इनटू, समझो कि यहाँ पे सिलेंडर को समझो कि यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ओके। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर आर यूज्ड इन क्रेन एंड होइस्ट टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट टू ग्रेटर हाइट, ओके। तो हम लोगों ने ऐसे सिलेंडर की जो अरेंजमेंट है वो देखी होगी, यहाँ पे अगर समझो ये ट्रैक्टर की जो लॉरी है, ये जो ट्रैक्टर की जो लॉरी है उसके नीचे अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर उसको हम लोग ऐसे अलग अलग तरीके से ऊपर करके हम लोग देखते हैं का समझो कि, और दूसरा कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर हम लोगों ने जो क्रेन अगर जो क्रेन और वो सब चीजें है उसमें देखी होगी, तो यहाँ पे जो सिलेंडर है वो ऐसे एक्सटेंड होते रहते हैं बराबर, जहाँ पे हम लोग अगर उसको सिलेंडर को हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो लिफ्ट में, फिर हॉइस्ट, समझो हॉइस्ट में है, क्रेन में है, ओके, वो हम लोग टेलीस्कोपिक सिलेंडर को हम लोग काफी सारी जगह पे देखते हैं वैसे, ओके। और टेलीस्कोपिक सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नंबर ऑफ सिलेंडर, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि दो और तीन और चार सिलेंडर का नंबर ऑफ सिलेंडर की टेलीस्कोपिक जो सिलेंडर है वो हमको, हमने टेलीस्कोपिक सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नंबर, यानी दो से ज्यादा और दो सिलेंडर की कम से कम बनी हुई होती है, ओके। वन साइड द, देखो सिलेंडर्स वन साइड द अदर्स विच एक्सटेंड वन बाय वन सिक्वेंसली, ओके, कि जिसको समझो ये एक दूसरे के अंदर समझो यहाँ पे कम्प्लीटली ऐसे, या मैं यहाँ पे फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे उसके अंदर एक दूसरे के अंदर समझो ऐसे ऐसे, ये है हमारा सिलेंडर नंबर वन, ये टू, ओके, और ये जो उसके अंदर जो है वो सिलेंडर नंबर थ्री, ओके, सिलेंडर नंबर फोर, ऐसे अलग जो तीन चार जितने भी समझो सिलेंडर्स है वो एक दूसरे के अंदर समझो कि पैरेलली अंदर एक दूसरे के अंदर फिट हो सकते हैं, ठीक है, थीके? और धीमे धीमे ये एक्सटेंड करके ये बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझो कहीं पे अगर हमको लिफ्ट वर्क करना है, ठीक है, देन क्रेन का जो वर्क है वो सब कुछ चीजें जो है वो टेलीस्कोपिक सिलेंडर में हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो समझो क्या होता है कि वन बाय, मैं अभी जस्ट देखा बोला कि समझो कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर ऑफ द ऑफ टू और मोर नंबर ऑफ सिलेंडर वन इन साइड द अदर्स, ओके, एक दूसरे के अंदर होते हैं, ठीक है, विच एक्सटेंड वन बाई वन सिक्वेंसली वेन वर्किंग फ्लूड इज सप्लाइड अंडर प्रेशर, अगर समझो वर्किंग फ्लूड अगर प्रेशर से सप्लाई हो रहा है तो वो एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, वन बाई वन सिक्वेंसली वो ऑपरेट होते हैं, हेंस द कॉम्पैक्ट टेलीस्कोपिक सिलेंडर विल एक्सटेंड टू गेदर लेंथ, ओके। तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये जो तरीके का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ पे यूज होता है, हाइड्रोलिक जो क्रेन्स है, लिफ्ट है, हॉइस्ट है, जहाँ पे वेट लिफ्ट करना है वो सब जगह पे, कोई हाइट पे हमको कोई चीज को पहुंचाना है, ठीक है, तो ये जो तरीके की जो अरेंजमेंट है वो वहां पे यूज होती है, ओके, टेलीस्कोपिक सिलेंडर, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल टाइप सिलेंडर की, ओके। यह है स्पेशल टाइप सिलेंडर में जो है अभी बात जो हो रही है उसमें सबसे, उसमें नेक्स्ट जो है वो है सिलेंडर विथ कुशनिंग, ओके। तो ये समझो कि यहाँ पे सिलेंडर विथ कुशनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नाम में ही इटसेल्फ ऐसा है कि यहाँ पे कोई कुशन कोई लगा हुआ है, ओके, तो कुशन कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ कुशन लगा है जहां पे पिस्टन नोज जो है, बराबर, यहाँ पे समझो कुशन पे क्या होता है कि पिस्टन अगर समझो यहाँ पे कुशन मीन्स कि एक समझो कि एक सॉफ्ट जगह, ठीक है, या तो तकिए, कुशन का नाम है तकिया, ओके, तो क्या होता है कि एक ऐसे सॉफ्ट जगह कि समझो कि वहां पे आके सिलेंडर रुक जाए, ठीक है, तो उसको समझो क्यों, क्योंकि अगर समझो कहीं पे इम्पैक्ट, समझो यहाँ पे क्यों कुशन लगा हुआ है, तो कहीं पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है और समझो कि ज्यादा सिलेंडर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट के कारण समझो कुछ डैमेज ना हो जाए, इसलिए कुशनिंग का यूज होता है, ओके। तो इफ द सिलेंडर इज लॉन्ग, ओके, अगर समझो सिलेंडर यहाँ पे, ये जो सिलेंडर है वो लॉन्ग है पहले, तो ठीक है,
दैट इफ स्ट्रोक लेंथ इज मोर देन द हाई देन द स्पीड, अगर समझो कि स्पीड से भी समझो सिलेंडर की जो स्पीड है ठीक है उससे भी स्ट्रोक लेंथ अगर समझो ज्यादा है, मोर देन द स्पीड इज हाई, ओके द नेचुरली द पिस्टन इम्पैक्ट ऑन एंड कवर, ओके जो एंड कवर जो है हमारा ये जो लास्ट वाला जो पूरा एरिया है वो है एंड कवर, अगर समझो पिस्टन का जो इम्पैक्ट है वो एंड कवर पे ज्यादा है, ओके द पिस्टन इम्पैक्ट ऑन द एंड कवर इज कंटिन्यूसली हाई, ओके अगर समझो कि हाई कंटिन्यूसली अगर पिस्टन इम्पैक्ट हो रहा है ठीक है तो कंटिन्यूस हैमरिंग ऑफ पिस्टन ऑन दोज कवर प्लेट, ओके तो ये जो कवर प्लेट है बराबर कवर प्लेट पे, ओके अब कवर प्लेट पे अगर समझो पिस्टन इम्पैक्ट अगर हाई है ठीक है, ओके कंटिन्यूसली हैमरिंग ऑफ पिस्टन दोज कवर प्लेट कॉज लूजिंग द टाई रोड्स एंड लीकेज ऑफ फ्लूइड, ओके तो समझो क्या होता है कि टाई रोड जो अगर समझो इम्पैक्ट ज्यादा होगा बराबर यहाँ पे ये जो कवर प्लेट है उसके ऊपर बराबर तो क्या होता है कि डैमेज हो सकता है और समझो कि उसके कारण डैमेज के कारण क्या होता है कि लीकेज होता है ठीक है। हैंस टू अवॉइड सडन इम्पैक्ट ऑफ पिस्टन, ओके तो पिस्टन के सडन इम्पैक्ट को यहाँ पे समझो कि इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको कवर करने के लिए अवॉइड करने के लिए ओके सिलेंडर विथ कुशनिंग आर यूज, ओके तो यहाँ पे जो क्या होता है कि एक समझो कि कुशनिंग सिलेंडर विथ कुशनिंग का यूज होता है, ओके तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा कवर होता है ये समझो कि रबर मटेरियल का होता है ये, ओके तो क्या होता है कि यहाँ पे आके वो समझो कि उसके समझो कि रबर का जो प्लेट है वो शॉक जो है वो ये जो रबर की प्लेट है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है तो सिलेंडर विथ कुशनिंग का यूज होता है, ओके इट हैज इंटीग्रल फ्लो कंट्रोल वाल एंड चेक वाल इन इट्स एंड कवर प्लेट, ओके ठीक है तो क्या होता है कि यहाँ पे समझो कि फ्लो कंट्रोल वाल और इंटीग्रल चेक वाल जो यहाँ पे अभी एंड पे होता है और ये जो है वो ये जो स्क्रू है वो है कुशनिंग अरेंजमेंट स्क्रू है, अगर कुशन अगर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो कुशन को आगे पीछे हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ओके ड्यूरिंग द रिट्रैक्शन पिस्टन मूव्स टुवर्ड द लेफ्ट, ओके ओके तो क्या होता है कि अ सिलेंडर विद कुशनिंग जो है वर्बर यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल एंड चेक वाल इन इट्स एंड कवर प्लेट, ओके द पिस्टन रोड हैज अ प्रोटेक्टेड नोज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इनलेट पोर्ट पैसेज, ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके हिसाब से प्रोटेक्टेड जो डायमीटर जो है इनलेट का यहाँ पे इनलेट का डायमीटर कहाँ पे दिख रहा है ये जो एरिया है वो इनलेट डायमीटर है उसके अकॉर्डिंगली उसकी साइज का यहाँ पे पिस्टन का जो नोज दिया हुआ होता है, ओके तो जिसके कारण क्या होता है द पिस्टन रोड हैज अ प्रोजेक्टेड नोज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इनलेट पोर्ट पैसेज ड्यूरिंग द रिट्रैक्शन पिस्टन मूव्स टुवर्ड द लेफ्ट, ओके पिस्टन रिट्रैक्शन के कारण समझो कि पिस्टन मूव टुवर्ड द लेफ्ट नोज एंटर्स द पॉट एंड द पैसेज क्लोज, ओके तो पैसेज अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो क्या हो रहा है ओनली द रिस्ट्रिक्टेड पैसेज थ्रू द FCV फ्लो कंट्रोल वाल इज लेफ्ट, ओके जो रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है जो ओके फ्लो कंट्रोल वाल का जो है वो ही समझो कि बाकी रहता है, ओके हेंस द फ्लो रिड्यूस, ओके हेंस द फ्लो रिड्यूस अगर समझो इस क्या होता है कि ये पिस्टन नोज में अगर समझो कि ये पिस्टन नोज जो है वो यहाँ पे अगर फिट हो जाता है ठीक है तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड पैसेज ही बाकी रहता है ठीक है तो फ्लो को कंट्रोल करता है, ओके तो फर्दर मूवमेंट ऑफ पिस्टन स्लो, ओके तो पिस्टन की जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, ओके दिस इज हाउ द कुशनिंग इज अचीव्ड, ओके तो इसके कारण समझो कि कुशनिंग अचीव होती है ठीक है स्लो एंड ऑफ स्ट्रोक, ओके कि एंड स्ट्रोक की एंड जो है वो स्लो हो जाती है ठीक है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन व्हेन द पिस्टन इज मूविंग टुवर्ड द राइट, ओके अगर समझो पिस्टन राइट मूवमेंट करता है ठीक है तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द एक्सटेंशन व्हेन द पिस्टन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट वर्किंग फ्लूइड इज सप्लाइड इनटू द इनलेट पोर्ट, ओके तो क्या कि अगर ये एंड ओपन हो जाता है ये एंड जो है वो बराबर जो पिस्टन नोज बाहर निकलता है राइट साइड अगर मूवमेंट होती है ठीक है तो क्या होता है कि यहाँ से फ्लो को अलाउ करता है ठीक है फ्लो को फिर से अंदर अलाउ करता है ठीक है तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द एक्सटेंशन व्हेन द पिस्टन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट ओके वर्किंग फ्लूइड इज सप्लाइड टू द इनलेट पोर्ट, ओके
तो क्या होता है, ऐसे इनलेट वर्किंग फ्लूइड सप्लाई और समझो कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस द पॉट इज क्लोज बाय नोज, जब समझो कि अगर पॉट नोज ये पिस्टन नोज से अगर क्लोज होता है, ओके, तो वर्किंग फ्लूइड हैज टू फ्लो थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, ओके, ऑफ एफसीवी। अगर समझो कि रिस्ट्रिक्टेड पैसेज में से फ्लो होता है तो क्या होता है, इट विल नॉट प्रोड्यूस सफिशियंट फोर्स। तो क्या होता है कि समझो कि अगर ये क्लोज हो रहा है, समझो पिस्टन नोज अगर क्लोज हो रहा है यहाँ पे ये एरिया में पिस्टन नोज क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड पैसेज में से ही जो है वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे पूरा फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है, तो सफिशियंट जो फोर्स है वो जनरेट नहीं कर पाता है, ओके, तो इट विल नॉट प्रोड्यूस सफिशियंट फोर्स टू स्टार्ट मूवमेंट ऑफ पिस्टन, ओके। तो क्या होता है, हेंस चेक वाल्व इज प्रोवाइड थ्रू विच वर्किंग फ्लूइड फ्लो फ्रीली एंड मूव द पिस्टन, ओके। तो ये सब चीजें यहाँ पे यूज कहाँ पे हो रही है, ठीक है, कुशनिंग जो सिस्टम हमने अभी आपको पूरा का पूरा कुशनिंग अरेंजमेंट समझाया, ओके, तो वो पैकेजिंग मशीन है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, और जो मटेरियल हैंडलिंग जो मशीन है वहाँ पे ये पूरी सिस्टम जो यूज होती है, कुशनिंग सिलेंडर जो है वो यूज होते हैं, ओके। ये समझो कि नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंडर माउंटिंग्स जो है कि ये जो टाई रोड एक्सटेंड्स है उस तरीके के सिलेंडर माउंटिंग्स हैं, वो सिर्फ यहाँ पे समझो कि एक फिगर देखने जैसी है सिर्फ, ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में पूरा डिस्कस करेंगे, ओके, सिलेंडर माउंटिंग्स जो है डिफरेंट टाइप्स के है जो हम लोग, ओके, और देन अगले हम लोग डिस्कस करेंगे रोटरी एक्चुएटर्स इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।